अभिषेक करे। जन्म सफल हो जाता उसका भव बंधन कटता है। और पालना झुलाने का सौभाग्य श्री रतन लाल जी, रमेश कुमार जी, नौरत कुमार, विनोद कुमार, महेंद्र कुमार जैन ढग परिवार ने प्राप्त किया। लेकर जन्म जन्मा बनने, लेकर जन्म जन्मा बनने का पुरुषार्थ करी हम। ऋषभ देव के जयकारों से गूंजे घर घर आंगन। जय हो जिन शासन की जय, अयोध्या जी की रथ की जय। जय हो जिन शासन की जय, अयोध्या जी की रथ की जय। प्रवर्तन ऋषभ देव के जयकारों से ओम नमः हरि हर आंगन। जय हो ऋषभ देव भगवान की जय। हम सभी का यह महान सौभाग्य है कि करोड़ों वर्ष पूर्व जिस धरती पर इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्ना मृसुरा सुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन दवा साय नहा। ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठ का साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक करूं विधि, जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भर निर्जन यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नफसे च्यामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरसुदीप सुप फलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्र कांत मणि के जल सम धवल है पीयू तो स्वाद लिए मल है। हित नाल के रस से करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन निष्केत रस हूँ। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नारिके दशाभिषेकम करोमी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार गम नृपामी ते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यत रस सीख चुका है। हे नाथ याप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तेज कर्ण साय नमो। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुप फलार्की कही धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार गम नृपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी अग्र तृप्तकारी संताप दूर कर रस कांत देता। घी से जिन्हें नभसेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुप फलार्की कही
धवल मंगलकांत बाकुले जिनग्रहितनात्मा मेरे ओम रेम श्री जिनेन्दायन मार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांग की किरणों समकांत धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अब से करके मैं काम दिन समित प्राप्त कर लूँ। ओम रीम त्रीम क्लीम है मरम भम भम हम तम तम पम झम झम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मजे ओम रीम श्री जिनेन्दायन मार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीपे हुआ प्रसमी अति मंगली के दस से करके त्रिलोक मंगल में निशो के पाऊँ। ओम रीम प्रीम क्लीम है मरम हम मम हम तम तम पम झम झम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अब से कम करो मी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कही चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्व औषधि हे लाल अवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर वस मिलाए करके सर्व औषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहित गुरु नमन में। ओम रीम श्रीम क्ली मैं मरम त्रिभुवन पते है सर्व औषधि अपने कम करो मी नमोरते है स्वाहा। उदक चंदन चंद पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेदे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम दीन धूम रोम राशन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय जिलाभिषेक करो नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्माय मुझे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्पवृष्टि करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन महतारिण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारा अतिकम तो व्यवरोतारियामि इति मंगल आरती औतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्माय मुझे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंदा मुसेन्द्र करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊँ। ओम रीम श्रीम क्लीम है मरम भम भम हम तम तम पम झम झम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते पूर्ण कलशेन सुगंधित जले नफसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्माय मुझे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें, एक झारी इधर अध्यात्म जैन ले लें और एक झारी कल्पतरु विधान के पुण्यार्थिक परिवार राजेश जैन उनका परिवार वो लोग ले लें। दोनों तरफ से शांति धारा प्रारंभ हो रही। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः तरी शांति नाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अरमस्याउसा नमः मम च गढ़नी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती वीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र वधू ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सर आप आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत आगम जैन लखनऊ श्री सुभाष चंद जैन श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ
प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलन जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल शबदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार विजय जैन राजपुर रोड, श्री जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन जमुनापार, श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति कनॉट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत, श्री डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव श्रीमती शैली जैन अरम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, पी के जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन संस्थव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराज, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सी ए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लवण्य भव्या चूड़ीवाल सपरिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल प्रशांत निशा प्रियांशी सोनाक्षी पुनीत जैन रामनगर तुमसर भंडारा सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा धुलियान पश्चिम बंगाल, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनील कुमार मेहता मोहित पूजा विनोद जैन मुंबई महाराष्ट्र, श्रीमती डोली जैन
पारिक स्वास्थ्य लाभ हेतु कनाडा सपरिवार से चैत भक्ति विधान के पुण्यार्जक श्रीमती शशि प्रभा श्याम सुंदर धनावत कटक मुंबई, ऋषभ कुमार रुचिर कुमार धनावत जैन लाडनू मुंबई, श्री गौरव जैन शरद जैन डॉक्टर रोहित जैन देहरादून, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर श्रीमती सरिता जैन सतीश जैन सपरिवार ग्रीन पार्क दिल्ली सौ सरिता राजकुमार दोषी सौ शोभा दीपक पड़े केतकी भूषण अकलूज सोलापुर महाराज स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की 3 वर्षीय पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी अजीत मधु संजय नीलम जैन कांदीवली मुंबई सपरिवार से श्री मधुबाला मोहनलाल जैन चोपड़ा रतलाम श्री विनय जैन पुत्र देवेंद्र जैन श्यामनगर कलकत्ता राजकुमार नीलम जैन बाकलीवाल कलकत्ता अनिल पुलकित रुचि ख्याति पूनम जैन सेठी अशोक विहार दिल्ली सपरिवार से कुलदीप जैन कमलेश जैन सूर्यांश जैन फैजाबाद अयोध्या सपरिवार से कल्पद्रुम विधान के सौधर्मिंद पुण्यार्जक परिवार राजेश जैन जयसवाले सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंचिंदी सदर्शनावरण कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्वेदनी कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्व मोहिनी कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्व नाम कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्व क्रोधम छिंचिंदी बिंदी सर्वमानम छिंचिंदी बिंदी सर्वमायाम छिंचिंदी बिंदी सर्व मोहम छिंचिंदी बिंदी सर्व लोभम छिंचिंदी बिंदी सर्व रागम छिंचिंदी बिंदी सर्व द्वेषम छिंचिंदी बिंदी सर्व गजमयम छिंचिंदी बिंदी सर्व सिंहमयम छिंचिंदी बिंदी सर्व अग्निमयम छिंचिंदी बिंदी सर्व सर्पमयम छिंचिंदी बिंदी सर्व युद्धमयम छिंचिंदी बिंदी सर्व सागर नदी जलमयम छिंचिंदी बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कमलादिमयम छिंचिंदी बिंदी सर्व निगडादि बंधनमयम छिंचिंदी बिंदी सर्व आश्वयान दुर्घटनामयम छिंचिंदी बिंदी सर्व आयुयान दुर्घटनामयम छिंचिंदी बिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनामयम छिंचिंदी बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनामयम छिंचिंदी बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनामयम छिंचिंदी बिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकमयम बिंदी सर्विषाक्त वाष्प क्षरणमयम छिंचिंदी बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनामयम छिंचिंदी बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनामयम छिंचिंदी बिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शकिन्यादिमयम छिंचिंदी बिंदी सर्वधनानि वयम् छिंचिंदी बिंदी सर्वव्यापारानि वयम् छिंचिंदी बिंदी सर्वराज वयम् छिंचिंदी बिंदी सर्वचोर वयम् छिंचिंदी बिंदी सर्वदुष्ट वयम् छिंचिंदी बिंदी सर्वशत्रु वयम् छिंचिंदी बिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम् छिंचिंदी बिंदी सर्वशोक वयम् छिंचिंदी बिंदी सर्ववैरम् छिंचिंदी बिंदी सर्वदुर्भिक्षम् छिंचिंदी बिंदी सर्वमनोव्याधिम् छिंचिंदी बिंदी सर्वार्द्रो दुर्ध्यानम् छिंचिंदी बिंदी सर्वदुर्भाग्यम् छिंचिंदी बिंदी सर्वायशा छिंचिंदी बिंदी सर्वप्रत्वायम् छिंचिंदी बिंदी सर्वकुमतिम् छिंचिंदी बिंदी सर्वभयम् छिंचिंदी बिंदी सर्वक्रूर ग्रहमयम् छिंचिंदी बिंदी सर्वदुःखम् छिंचिंदी बिंदी सर्वापमृत्युम् छिंचिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवनगो त्रिभुजंता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमावीर सन्मति वीराद वीर वर्धमान अमालंकर श्रीमावीर जिंदासन प्रभात सर्वे जिन भक्ता सुखन भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरोड दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण संबत 2549 तमे मासोत्तम मासे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ नित पूजा अवसरे विधिमान एवं शांति धारा सर्व देशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविका नाम चतुर्विध संघस्य मम चा करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्व शांतिम करो तो मंगलम धनोति इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मन समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्ट गृह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिगात मरणम गाते गाता उद्रा गदरा गाय सुखम जाते जाते ओम नीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु गुरुम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकशोपरि शांतिदारम करोमिति स्वा चतुर्भिः संगस्य मम च डॉक्टर अनिल कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन डॉक्टर
अनुज निशेता अरिहंत जैन आगरा उत्तर प्रदेश, अनिल अभिषेक जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सहारनपुर, सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसेट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। उदक चंदन तांडुल पुष्प कहि चरु सुदीप सुधूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहि जिन नाथ महम यजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। भगवान के शांति धारा कलश को अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। ओम रीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। ओम रीम श्री अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जी नेन्द्राय, भगवान भरत स्वामी, भगवान बाहुबली स्वामी चरणेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परम्पराचार्यों के लिए गर्ग। ओम रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनिकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है सभी के चरणारविंद में तीन कम नौ करोड़ मूल राशि सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। पूज्य माता जी के लिए एक अर्घ ले आए, कंदोदक ले आए। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं, युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम भारत गौर चारी चंद्रिका गढ़नी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी चरणारविंद में अनर्पत प्राप्त अर्घ्य हम निरूपामिति। वंदामी माता जी, वंदामी माता, वंदामी वंदामी। अब पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, उसके पूर्व एक दो सूचनाएं। 27 तारीख श्रावण शुक्ला एकादशी के दिन पूज्य आरिकाश्री चंदनावती माता जी का 35वां दीक्षा दिवस, आरिका दीक्षा दिवस 35वां सन 1989 में जम्बूद्वीप स्थल पर पूजगणी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों से आरिका दीक्षा प्राप्त करके आरिका चंदनावती नाम प्राप्त किया था, तो वही तिथि है फाल्गुन शुक्ला एकादशी 27 अगस्त को दिन रविवार है। दोपहर में 3 बजे से यहाँ पर दीक्षा दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। जो भी महानुभाव जिन्हें भी सुविधा हो सारा आमंत्रित हैं आकर के सरस्वती अयोध्या में अपनी ओर से विनयांजलि अर्पित करने का और पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद 29 तारीख श्रावण शुक्ला त्रयोदशी के दिन यहाँ पर भव्य सुंदर अति सुंदर मेन गेट मुख्य द्वार 300 फीट लंबा और 45 फीट ऊंचा इसका शिलान्यास संपन्न होगा। 17 तारीख को हम लोगों ने भूमि पूजन किया था और अब 29 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे शिलान्यास संपन्न होगा। उसके बाद द्रुत गति से इस गेट का मुख्य द्वार का निर्माण प्रारंभ होगा और इसके साथ यात्री निवास जो 101 सुंदर फ्लैटों से युक्त यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है उसका भी शिलान्यास 29 तारीख को ही दोपहर में प्रातःकाल 11:30 बजे संपन्न होगा। जो भी महानुभाव दोनों कार्यक्रम में आ सकते हों सुविधा हो सादर आमंत्रित हैं। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय
शिवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भर्तादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भर्तादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्नो हम और आप अभी नियम सार का स्वाध्याय कर रहे थे। बीच में सप्त परम स्थान आदि के कार्यक्रम आने से उसमें थोड़ी रुकावट आई थी, उसका विषय छूटा था। अभी सप्त परम स्थान व्रत आज पूर्ण होता है, उसकी पालना आज करेंगे लोग। आज मैं नियम सार के प्रकरण को ले रही हूँ। इस नियम सार में चौथे अध्याय में चौथे अधिकार में श्री कुंदकुंद स्वामी ने जो प्रकरण लिया है, पांच महाव्रत पांच समिति तीन गुत्ती का मुख्य रूप से और पंच परमेष्ठी के नमन का। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम रम्योण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वणिदम। बद्धात्मा श्री कुंदकुंद स्वामी ने सबसे पहले मूलाचार में विस्तार से 28 मूल गुण 36 उत्तर गुणों के 36 भेद आदि और 84 लाख भेद आदि करने को विस्तार से वर्णन किया है। मूलाचार में बहुत बड़ा विस्तृत ग्रंथ है। सर्वप्रथम इसकी दो टीकाएं उपलब्ध हुई हैं। एक तो कन्नड़ में टीका थी आचार्य श्री सांसार महाराज जी की प्रेरणा से, उसका हिंदी अनुवाद होकर और उनके नाम से जो ग्रंथमाला उनके प्रेरणा से जो ग्रंथमाला स्थापित हुई थी उस ग्रंथमाला से प्रकाशित हुआ है। उसकी प्रति भी हमारे यहाँ मौजूद है, हम लोगों ने उसका स्वाध्याय किया है। और दूसरी टीका है उसी मूलाचार पर श्री वसुनंदी आचार्य की, जिसका हमने हिंदी अनुवाद किया था, जो पहले ज्ञानपीठ से भी छपा था, अभी यहाँ वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से प्रकाशित हुआ है। इस नियम सार में श्री कुंदकुंद स्वामी ने मुख्य रूप से 13 प्रकार के चरित्र का वर्णन करके और निश्चय नई की अपेक्षा से आवश्यक क्रियादिकों का वर्णन किया है। मैं संक्षेप में ही ले चलूँ आपको। पांच महाव्रत का वर्णन संक्षेप में हुआ है। पांच समितियों में आज समिति है आदान निक्षेपण समिति, एरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति का संक्षेप में लक्षण आपको सुना चुके थे। पोथई कमंडलायम गहन विषज्ञेशु पैत परिणाम आदामन निक्षेपण समिति होदित्य निदिष्ठा। श्री कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, उसका हिंदी पद्यानुवाद मैंने किया था। पुस्तक कमंडलुआ संसर जो वस्तु हो उनको उठाने धरने में प्रयत्नशील हो यत्न भाव हो, समिति सदा उन्हें है आदान निक्षेपण जो सावधान मुनि है उनको सदा नमन। सावधानी पूर्वक जो शास्त्र कमंडल आदि के अपने जो उपकरण हैं पिछी से परमार्जित करके, मयूर पंख की पिछिका से परमार्जित करके, संयम का उपकरण जो मयूर पंख की पिछिका है, दिगंबर जैन साधु साधुओं का पिंचिन्ह मुनि आर्गा छिलक छिलका और अलग इनके हाथ में पिछी कमंडल रहता है। श्री धर्मसेनाचार्य आदि के संग में जो छिलक आदि रहे हैं और जो सिद्धार्थ छिलक थे सती सीता के समय, जिन्होंने नवकुश का विद्या अध्ययन आदि कराया है जैन रामायण के अनुसार, वे सब मयूर पंखी कंवर पिछी को धारण करने वाले हैं, ऐसा आगम में उल्लेख आया है। ऐसी परंपरा
जय जय पुस्तक कमंडलू पिछी और आदि से लिया है संस्तर मूलाचार में कहा है संस्तर यहाँ आदि शब्द आया है कथा में संस्तर यानी लकड़ी का तखत पाटा और फलक यानी पत्थर की शिला आदि भूमि और घास कहीं कहीं पर कट कट शब्द से चटाई को भी ग्रहण किया है। ये जिनके मात्र परिग्रह है पास में और कुछ नहीं है उपकरण तीन ही हैं ज्ञान का उपकरण शास्त्र संयम का उपकरण मयूरपंख की पिच्छिका और शुद्धि के लिए उपकरण है कमंडलू काठ का कमंडलू। इनको ग्रहण करने में उठाने में धरने में जो सावधानी पूर्वक पिच्छिका से परमार्जित करके उठाते धरते हैं उनके ये आदान निक्षेपण शक्ति होती है। बताया है केवल ज्ञान का बीज है भावश्रुत ज्ञान। भावश्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का बीज है और भावश्रुत ज्ञान के लिए द्रव्यश्रुत ज्ञान आवश्यक है। द्रव्यश्रुत ज्ञान हुए बगैर भावश्रुत ज्ञान नहीं हो सकता और इन दोनों ज्ञानों के लिए जो उपकरण है शास्त्र। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी जो है वो सब शास्त्र है। श्री दासांग रूप से उसके अंश रूप से आज उपलब्ध जो श्री धर्मसेनाचार्य ने जब अपने शिष्य पुष्पवंत भूदली को पढ़ाया और जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की वो ग्रंथ आज उपलब्ध हैं सार रूप में अग्रणी पूर्व के कुछ अंश हैं। ऐसे ही जो कसाय प्रावर्त आदि ग्रंथ हैं वो कुछ पूर्व के ही कुछ अंश हैं। आज दिगंबर जैन परंपरा में द्वादसांग उपलब्ध नहीं है ध्यान रखें आप और द्वादसांग लिपिबद्ध नहीं हो सकता है। उसका इतने इतने बड़े पद हैं कि लिपिबद्ध हो ही नहीं सकता है। द्वादसांग विद्या मौखिक विद्या है बहुत गूढ़ और समुद्र है महासागर और उसके अंश रूप में जो ज्ञान होता है वही लिपिबद्ध हुआ है। फिर भी वो अथाह है और अभी भी जो ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है ताड़पत्रों में कहीं कहीं हस्तलिखित ग्रंथों में और जिसको आधार लेकर के और पंडितों ने जो हिंदी अनुवाद आदि करके और जो अब मुद्रण के ज़माने में हजार हजार दो दो हज़ार ग्रंथ छप जाते हैं सभी जगह पहुंच जाते हैं। एक समय था ताड़पत्र ग्रंथ एक था एक प्रति थी कोई दूसरी उसके है कॉपी है नहीं है फोटोकॉपी का ज़माना नहीं था टाइप का ज़माना नहीं था छपने का ज़माना नहीं था। ऐसे समय में आया है वर्णन इतिहासकारों से और गुरुओं के मुख से सुना है मैंने कि कुछ धर्म विदेशियों ने लगभग 6 महीने तक जैन ग्रंथों को जलाया है और जो उपलब्ध जो उससे बचे आज उपलब्ध हैं वही बहुत कुछ है उनको सुरक्षित रख के और उनका स्वाध्याय करके हमें और आपको अपने ज्ञान को वृद्धिगत करते हुए और इस भावश्रुत ज्ञान को आज के उपलब्ध ज्ञान को श्रुत ज्ञान का द्वादसांग का बीज मान करके और केवल ज्ञान का बीज मान करके जिन वाणी की आराधना शास्त्र की आराधना करते ही रहना चाहिए। ये है आदान निक्षेपण समिति। उत्सर्ग समिति में कहते हैं पांची समिति पार्श्व भूमि पदे से गूढ़े रहिए परो वे परो हे न परो हे रे परो हे न उच्चाराधिकागो पैठा समिति हवे तस। पार्श्व भूमि स्थान पर जो गूढ़ है अर्थात जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं है एकांत स्थान ऐसे स्थान पर जहाँ किसी की रुकावट नहीं है ऐसे खेत आदि एकांत स्थानों में मलमूत्र आदि का त्याग करना प्रतिष्ठापन समिति है। निर्जंत भूमि स्थान एकांत गूढ़ हो नहीं रोक ठोक पर का हरियादि शून्य हो जिसमें हरित आदि काय के घास काई और द्वेंद्र आदि जीव लटकेचू आदि
नहीं है। स्थावर साधक से रहित ऐसी भूमि में, प्रासुक भूमि में मलमूत्र आदि का जो विसर्जन करना है और कफलार आदि का जो भी त्याग करना है, वही मुनि प्रतिष्ठापन समिति के धारक होते हैं, उनके ही प्रतिष्ठापन समिति होती है। वर्तमान में जहाँ शहरों में या आज स्थानों में बाहर जाने की व्यवस्था नहीं होती, तो प्रासंगिक स्थान में ही ऐसे स्थान बना दिए जाते हैं जहाँ पर साधु मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं। निर्जंतु निषेध नहीं, निर्जंतु के स्थान में प्रतिष्ठापन समिति मलमूत्र आदि का विसर्जन करना पांचवी समिति है। बात यही है कि इन समितियों का पालन करने वाले महासाधु ही अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धियादि से विभूषित हो जाते हैं। बात ये सब समिति प्रयत्नपूर्वक सावधानीपूर्वक जो क्रियाएं हैं साधु की, वही समिति कहलाती हैं। पांच महाव्रत पांच समिति और तीन गुप्ती, मुख्य रूप से ये 13 प्रकार का चारित्र है। और सर्वावश्यक क्रियाएं, पंच परमेश्वरी को नमस्कार करना, असही निसही आदि क्रियाओं का करना आदि 13 प्रकार की करण क्रियाएं भी हैं। बात यही है साधुओं की चर्या आगम के परिप्रेक्ष्य में यह अपने आप में बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। आज भी इस पंचम काल में आचार्य श्री सांसार जी महाराज आदि से लेकर और उसके पूर्व भी जो देवेंद्र कीर्ति आदि मुनि थे, अनेकों मुनि थे, इस परंपरा बराबर अविच्छिन्न चली आ रही है, विच्छिन्न नहीं हुई है। कुछ शिष्टाचार अवश्य बीच में आया, शिथिलता, मैंने एक बार बताया था आपको, शिथिलता में चारित्रिक क्षति नहीं लेना। शिथिलता में ये था कि जैसे पंडित ने, उपाध्याय मंदिर के पुजारी ने जाकर कह दिया किसी श्रावक को कि देखो यहाँ मुनि आए हैं और आपको आहार देना है, उन्होंने चौका लगाया और पंडित पुजारी ने संकेत दिया, साधु वहीं पहुँच गए और उनका आहार हो गया। पड़गहन विधि हुई, लौधा भक्ति हुई, लेकिन आहार हो गया। वो वृत्त भवन संख्या नादि लेकर घूमते नहीं थे, चौकी आदि की व्यवस्था विशेष नहीं रहती थी, पुजारी के द्वारा कहे गए स्थान पर पहुंच जाना आदि, ये थोड़ी शिथिलाचारी हुई थी। आचार्य सांसार महाराज ने व्रत पर संख्यान लेकर नियम लेकर जो निकलना शुरू किया, घूमना शुरू किया, श्रावक लोग घबराए, बोले क्या बात है। तब पंडितों ने कहा भाई देखो मूलाचार में ऐसा लिखा हुआ है, साधुओं का पड़गहन आप करो, क्या मालूम क्या इनकी नियम है, हम नहीं बता सकते। तब लोगों ने पड़गहन विधि से करना, दरवाजे में खड़े होकर के सब शुरू किया, तो जो है जहाँ उनका नियम मिला वहाँ पहुँचे आदि। ये सब संशोधन परिवर्तन आचार्य श्री सांसार महाराज के समय हुआ है, उनके द्वारा हुआ है, इसीलिए वो मुनि परंपरा के उद्धारक और विशेष महान प्रथमाचार्य प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। आज इस परंपरा में हम देखते हैं वर्तमान में भले ही परंपरा भेद थोड़ा हो गया है, लेकिन आज लगभग हमें प्रसन्नता है, गौरव है, सन 1952 में जब मैंने घर छोड़ा है तो अधिकतम मुनि आर्यिका छिलक छिलकाओं की संख्या अधिकतम 70 थी, 70 से अधिक नहीं थी, और आज लगभग 1650-1700 पहुँच गई है। ये जैन धर्म की उन्नति और वृद्धि, साधुओं की उन्नति और वृद्धि, ग्रंथों के प्रकाशन लाखों 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 संख्या में हुए हैं, जगह जगह ग्रंथमाला आदि को से, ये शास्त्रों की जीर्णोद्धार जीर्ण विकास आदि और साधुओं की वृद्धि और मंदिरों। जब मैं दिल्ली में पहुंची थी सन 1972 में, आचार्य श्री देवभूषण जी महाराज ने बुलाया था, मैं राजस्थान में थी, आचार्य श्री धर्मसाह जी महाराज से आज्ञा लेकर पहुंची अपनी आरिका के संग सहित, उसे संग में दो मुनि भी थे, आचार्य श्री ने भेज दिया था। तो उसमें दिल्ली में कुल 52 मंदिर थे और आज दिल्ली में
लगभग 250 मंदिर है। दिन पर दिन वृद्धि होती गई, कॉलोनियाँ बढ़ती गई और विकास होता गया। देखते देखते दिल्ली के आसपास में जो जंगलात थे वो सब प्रतिहार कॉलोनी, निर्माण कॉलोनी आदि, ऋषभ विहार कॉलोनी आदि बनते गए और उसमें आसपास के सावकगण पहुँचते गए और वृद्धि होती गई। तो बात यही है कि मैंने ये देखा है देव शास्त्र गुरु मंदिरों के निर्माण, तीर्थों के विकास आदि और जगह जगह अनेक संस्थाओं के निर्माण विकास आदि से जो उन्नति हुई है, यद्यपि संख्या घटी है। कभी जैनियों की संख्या ईसा पूर्व में 40 करोड़ मानी गई है, फिर 4 करोड़ पर आई और आज 40 लाख पर आ गई। तो संख्या तो घट रही है लेकिन मैंने देखा है धर्म की वृद्धि, तीर्थों के विकास, मंदिरों की वृद्धि और साधुओं की वृद्धि और ग्रंथों के प्रकाशन आदि की वृद्धि उत्तरोत्तर होती जा रही है। ये इसलिए वृद्धि ह्रास थोड़ा बहुत चलता रहता है। पंचम काल के अंत तक जैन शासन अविच्छिन्न रहेगा, मुनि आरिका छिंडक छिड़का आदि की परंपरा भी रहेगी और चतुर्विध संघ भी रहेगा अंतिम क्षण तक। तो बात यही है कि आज भी निर्दोष चर्या को पालन करने वाले साधु हैं और एक संप्रदाय जैन में ही ऐसा भी बन गया मेरे देखते देखते कि जो मुनियों के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता, मुनि आरिकाओं के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता, उन्हें हाथ नहीं जोड़ता, उन्हें नमस्कार नहीं करता, ऐसा भी एक संप्रदाय दिगंबर जैन में ही पैदा हो गया। चलता है तो सब काल दोष से, लेकिन फिर भी उसमें दिगंबर मुनियों को मानने वाले, उनको आहार देने वाले, उनकी भक्ति करने वाले और कुंदकुंद स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले अज्जवी तियरण शुद्धा अप्पा झाये भी लह इंदत्तम लोयंती देवत्तम तथ जुदा निबुदि जंती। श्री कुंदकुंद स्वामी ने अपने पाहुड़ ग्रंथ में कहा है कि आज भी पंचम काल में रत्नत्र के धारी मुनि होंगे और वो निर्दोष चर्या का पालन करते हुए लोकांतिक देव तक हो सकते हैं। समाधि पूर्वक शरीर छोड़कर लोकांतिक देव इंद्रपद आदि को प्राप्त करके और वहाँ से च्युत होकर मोक्ष को प्राप्त करने वाले होंगे। ये श्री कुंदकुंद स्वामी के वाक्य हैं। तो इस पर जो है ईस्वी सन 1977 में हस्तिनापुर में विद्वानों की भावनाओं के अनुसार वहाँ विशेष रूप से प्रशिक्षण शिविर हुआ था और लगभग 105 विद्वान आए थे, जिसमें इसी विषय पर चर्चा की गई थी कि जो जो नए नए पंथ हो रहे हैं, हमें अपने दिगंबरत्व की, दिगंबर मुनियों की आसाधना न हो, उनका अपमान न हो, इस पर ध्यान रखना है और इस आगम की परंपरा को, आर्ष परंपरा को और दिगंबर परंपरा को सुरक्षित रखते हुए इसका संरक्षण संवर्धन आदि करते हुए जैन शासन की उन्नति करना है। बात यही है, हम और आप वर्तमान में इस अहिंसा परमो धर्म के शासन में जन्मे हैं। बहुत बड़ा कई जन्म का पुण्य लेकर आए होंगे जब भी जन्मे हैं, ये भी बहुत बड़े पुण्य का योग है। आज हमारे दक्षिण महासभा के, दक्षिण भारत जैन महासभा के विशेष कार्यकर्ता हमारे डीए पाटिल, जो हमेशा इस संस्थान से और अयोध्या से और हमारे अनेक सभी कार्यकलापों से और धर्म के सभी कार्यकलापों से, सभी साधुओं से जुड़े रहे हैं, उनका आज जन्मदिन है। उनके लिए भी मेरा पारस चिन्ह के माध्यम से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। उनका जन्मदिन उनके जीवन में मंगलमय हो, पूरा वर्ष मंगलमय हो, धर्माराधना पूर्वक व्यतीत हो और बराबर अयोध्या आकर आगे सब कार्यों में भाग लेते रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और पारस चिन्ह के माध्यम से हमारी बात को सुनने वाले, श्री कुंदकुंद स्वामी की वाणी को सुनने वाले, हम तो उस वाणी का प्रसार करने वाले केवल हैं।
उन सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सतना से आए हमारे सतीश जैन, निर्मल जैन हमेशा, ये नीरज जैन, निर्मल जैन हमेशा अयोध्या से, संस्थान से हमेशा हम लोगों से जुड़े रहे हैं। उनके पुत्र आए हुए हैं, हमें उनके लिए बहुत गौरव है, प्रसन्नता है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, उनके परिवार के लिए आशीर्वाद। उनकी नीरज जी की बहन हारिका विशुद्धमती ने जो इस परंपरा में हारिका दीक्षा लेकर के और जो संघ में ध्यान धर्म ध्यान आदि करते हुए और जो तीर्थ आदि के निर्माण की प्रेरणाएं भी दी हैं, ग्रंथों का लेखन और प्रकाशन और अनुवाद आदि भी किया है। मैंने एक बार उनसे कहा कि आपका गणित का ज्ञान अच्छा है, त्रिलोकसार पर आप अपनी लेखनी चलाएं और गणित के बारे में कुछ छोलें। उन्होंने त्रिलोकसार ग्रंथ का भी अनुवाद किया। ऐसे उनके ये भतीजे हैं, हमें गौरव है, प्रसन्नता है इन परिवार के लिए भी और आप सब लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं सबके लिए और जो यहाँ विधान के अनुष्ठान कर रहे हैं। इस कल्पद महाविधान के अनुष्ठान में जो यहाँ चिंद्र चक्रवर्ती आदि होकर बैठे हैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। डॉक्टर वीर सागर जी जैन दिल्ली, जिन्होंने ज्ञानांजलि महोत्सव में परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के लिए विनयांजलि अपनी प्रेषित की है, उस डॉक्टर वीर सागर जी के विनयांजलि अब यहाँ पर प्रस्तुत है। गणनी प्रमुख आरिका ज्ञानमती माता जी को कौन नहीं जानता, मैं भी उनसे बहुत अधिक प्रभावित हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक धर्म की प्रभावना की है। न केवल धर्म की प्रभावना की है बल्कि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का लेखन, संपादन, अनुवाद आदि का ऐसा कार्य किया है जो कोई भी देखकर दांतों तले उंगली दबा लेगा। बड़े बड़े विद्वान ऐसा कार्य नहीं कर सकते जैसा उन्होंने करके दिखाया है। मैं न्याय का विद्यार्थी हूँ, मैं जानता हूँ कि अष्ट सहस्री कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसको कोई लगा नहीं सकता आसानी से, लेकिन उस ग्रंथ का भी माता जी ने बहुत सुंदर अनुवाद किया है और वो हस्तिनापुर से प्रकाशित होकर आज जो सर्व सुलभ हो गया है ये उनका बड़ा उपकार है। इसी तरह लघी अस्त्र आदि और भी अनेक ग्रंथ हैं जिनका मिलना ही मुश्किल होता था, मिल जाए तो पढ़ना मुश्किल होता था, लेकिन माता जी ने उन ग्रंथों को न केवल उपलब्ध कराया, हिंदी अनुवाद सहित उपलब्ध कराया, बहुत सुंदर ढंग से प्रकाशित करा के उपलब्ध कराया। तो इसलिए माता जी बार बार प्रणम्य हैं और उन्होंने जो ये साहित्य की सेवा की है, षटखंडागम ग्रंथ पर संस्कृत टीका लिखी है, समय सार, नियम सार आदि ग्रंथों पर संस्कृत टीका लिखी है, कातंत्र व्याकरण पर उन्होंने टीका लिखी है। तो माता जी का वास्तव में बहुत अधिक साहित्यिक योगदान है। साहित्य के क्षेत्र में भी माता जी ने अपना अलग प्रतिमान स्थापित किया है, इसलिए उनके इस संयम दिवस के अवसर पर, उनके आने वाले जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनको वंदामी कहता हूँ और सारी समाज को जोड़कर प्रेम से आगे बढ़ाना, सबको धर्म ध्यान के मार्ग में लगाना, ये सब काम आज बहुत आवश्यक है और माता जी इस काम को बहुत अच्छी तरह कर रही हैं। हम सबको माता जी की शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। माता जी आगम के प्रति भी बहुत प्रतिबद्ध रहती हैं,
वे बराबर कहती हैं कि आगम के अनुकूल बोलो, एक भी शब्द आगम के बाहर मत बोलो। मुझे उनकी ये बात भी बहुत अच्छी लगती है। माता जी सदा हमारे बीच में रहें और इसी तरह साहित्य की साधना करती रहें, बहुत अच्छे से धर्म की आराधना और प्रभावना करती रहें, यही मेरी मंगल भावना है। परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानमती गुण रत्न है दिव्य निधि के समान, इनके पद में नमन से मिलता है श्रुति ज्ञान। अभ्यात्माओं, ज्ञानांजलि महोत्सव चल रहा है। एक महान साधिका के 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय यह ज्ञानांजलि महोत्सव जो दिन में चलता है, हर एक चातुर्मास के संस्मरणों को जब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी अपने मुख से सुनाती हैं, सुन करके मन विस्मय चकित हो जाता है कि ऐसी महान साधिका जब इन्होंने दीक्षा ली तो नीचे धरती और ऊपर आकाश था, क्योंकि कोई बाल ब्रह्मचारिणी दीक्षा नहीं लेती थी और इन्होंने दीक्षा लेकर के जिस प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में अपने को खरा उतारा है वह एक अविस्मरणीय है। आप सब लोग भी दिन में 3:30 बजे, कल ब्यावर राजस्थान का प्रकरण था, कितना सुंदर सरस्वती भवन का दर्शन कराया गया और वहाँ बैठकर जो सन 1958 में खूब सरस्वती यानी कि शास्त्रों का पारायण करती थी और विद्वान लोग इनके ज्ञान से आश्चर्यचकित होते थे। सारी सारी रात केवल शास्त्रों को पलटना, स्वाध्याय करना।